लक्ष्मी माता की जय। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, वह रोज पीपल सींचने जाता था। पीपल में से एक लड़की रोज बोलती कि पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जब वह ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि आप सूखते क्यों जा रहे हो। तब उसने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी ने बोला कि जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं वहां 7 हो जाएंगी, उसे भी अपने घर ले आना। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने गए तो पीपल में से वही लड़की फिर बोली कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तब ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने साथ ले आए। उस दिन जब ब्राह्मण देवता आटा मांगने गए तो उनको थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी जब आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि माँ मैं आटा छानूंगी। उसकी माँ बोली नहीं बेटी तू अभी बहुत छोटी है। लेकिन वो जिद करने लगी कि नहीं माँ मैं ही आटा छानूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे से पूरी परांत भर गई। ब्राह्मणी जब खाना बनाने लगी तो उसकी लड़की बोली माँ मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा बेटी तेरे हाथ जल जाएंगे, तुम खाना कैसे बनाओगी। तब वह लड़की बोली नहीं माँ खाना मैं ही बनाऊंगी। जब वह खाना बनाने लगी तो 36 प्रकार के भोजन बना दिए। रोज तो वह ब्राह्मण परिवार भूखा सोता था, भरपेट खाना नहीं खाता था, लेकिन उस दिन पूरे ब्राह्मण परिवार ने भरपेट खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया तो वह बोला जी मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी थोड़ा परेशान हुई कि खाना तो हम सब ने खा लिया, अब मैं इसको क्या खिलाऊं। तब वह थोड़ा परेशान होकर बैठ गई। तब उसकी लड़की ने पूछा माँ तुम परेशान क्यों हो। तब ब्राह्मणी ने बताया कि बेटे तुम्हारा मामा आया है और वह खाना खाना चाहता है, लेकिन अब मैं उसको खाना कहाँ से खिलाऊं। तब लड़की ने बोला माँ तुम चिंता मत करो। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और अपने मामा को जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई बोला जी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है, मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली ना बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली नहीं माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। वह आधी रात को उठी और उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह उस घर से जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने आई हूँ, तुमने करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस लड़की ने उसके घर में भी चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची के पावनी बेटे कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता जैसे तुमने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की वैसे ही इस कहानी को सुनने और पढ़ने वाले की भी दरिद्रता दूर करना और उनके घर में भी अन्न धन के भंडारे भर देना। बोले लक्ष्मी माता की जय।